स्वागत है दोस्तों आपका टेक सेटिंग में। मैं हूँ आनंद, आपके लिए बहुत खास टेक न्यूज़ नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए अच्छी खबर और लॉकडाउन खुलेगा या नहीं उसके रिलेटेड खबर लेके आया। तो वीडियो जरूर देखिए, इसी वीडियो में आपको सब जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों को पता है कोरोना की महामारी की वजह से दोस्तों पूरे देश ही नहीं, पूरा भारत नहीं, गुजरात नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड दोस्तों इस कोरोना की महामारी की वजह से परेशान हो गया। पता नहीं ये कोरोना वायरस का मेडिसिन कब निकलेगा, कब इलाज होगा। उसी बचने के लिए दोस्तों हमारे भारत नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 21 दिन का लगाया था, पर दोस्तों अभी 16 दिन होने में और 14-15 तारीख को सबको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन, सबके मन में ऐसा चल रहा है कि 16 तारीख को भारत चालू होगा, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। तो कि अभी तक कुछ डिसाइड तो नहीं है, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा इशारा किया है कि दोस्तों ये लॉकडाउन 14 से आगे बढ़ के और बढ़ना चाहिए। उनका कहना है आदित्यनाथ जी का, क्योंकि लॉकडाउन ऐसे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये आंकड़ा कोरोना का बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसकी वजह से लॉकडाउन थोड़ा बढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर एम जी ने कहा है कि उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है हमारी सरकार को कि ये लॉकडाउन और 2 हफ्ते तक बढ़ेगा, ताकि उन्होंने कहा है कि अब लॉकडाउन हटा दिया तो बहुत ज़्यादा ये महामारी फैल जाएगी और एक दूसरे को फैल जाएगी और क्या होगा आगे किसका पता नहीं। इसलिए उन्होंने भी कुछ रिक्वेस्ट की, बता गया कि ये लॉकडाउन पूरी तरह से मत हटाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 हफ्ते तक और बढ़ाने का उन्होंने अपने सीएम हमारे सरकार से रिक्वेस्ट की है। तो दोस्तों हमारे मोदी जी क्या करते हैं पता नहीं, जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करें। कई जगह से ऐसी न्यूज़ भी आ रही और लीक भी हो रहा था कि लॉकडाउन हट भी जाएगा तो भी कई कई चीज़ पे पाबंदी रहेगी, जैसे अपना मास्क एनी टाइम कंपलसरी पहनना ही पड़ेगा और लॉकडाउन हटेगा तो भी ज़्यादातर नियम पालन सबको करना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी तो फाइनल पता नहीं चला है क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है 14-15 तारीख के बाद, पर हमारे मोदी जी हमको पता है हमारे लिए अच्छा ही डिसीजन लेंगे और जो डिसीजन लेंगे हाथ जोड़ के हम सब उनका डिसीजन का सम्मान करेंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है, ये लॉकडाउन 14 तारीख के बाद हटना चाहिए कि नहीं, और लॉकडाउन हटने के बाद भी ये महामारी कोरोना वायरस कब तक रहेगा हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कब तक हटेगा, इसकी मेडिसिन बनेगी या नहीं। आप जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी राय हमें बहुत काम आएगी और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। और मेरे से इस वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो हाथ जोड़ के माफ़ी कि अफवाह पे, व्हाट्सअप की न्यूज़ पे, फेक न्यूज़ पे, कई रिपोर्ट पे किसी पे भरोसा ना कीजिए। उसने ये कहा, इसने ये कहा, बाद में लॉकडाउन खुलेगा, बाद में फिर से लॉकडाउन होगा, किसी की बात पे आप विश्वास ना करें दोस्तों। बस आप 14 तारीख पीएम जी क्या कहते हैं, यानी हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, बस उनकी बात पे भरोसा रखिए और उनको ही फॉलो कीजिए। डायरेक्ट किसी भी अफवाह पे भरोसा मत कीजिए, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए अगर आप कुछ अफवाह भी रहती है, अगर आपके मोबाइल में कुछ अफवाह आती है, व्हाट्सएप पे कुछ भी, तो उससे फॉरवर्ड ना कीजिए, उधर ही डिलीट कर दीजिए। बस आपके लिए कुछ हेल्प हुई हो, आपसे कुछ हुई हो, तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है हमारी। बस आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा दिन बन जाएगा और हमको सपोर्ट भी मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो देखते रहिए और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरी वीडियो 2-3 दिन में अच्छी अच्छी लाता रहता हूँ, पर आपके लिए मैं सेफ्टी न्यूज़ लाया था। तो वीडियो दोस्तों देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, धन्यवाद।